एनएसएस द्वारा समय समय पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें लोगों को विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक किया जाता है। वहीं पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी काम किया जाता है। एनएसएस से जुड़े स्वयंसेवियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में शिमला में एनएसएस का 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर आयोजित किया गया। राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान कोटशेरा में एनएसएस इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन हुआ। समापन समारोह में स्वयंसेवियों ने देशभक्ति के गीत, नृत्य तथा कविताएं प्रस्तुत की। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर हेमंत शर्मा ने शिविर के कार्य की प्रतिवेदन प्रस्तुत की और स्वयंसेवियों से कहा कि जो भी कार्य गतिविधियां उन्होंने की है, उन्हें अपने दैनिक जीवन में लाने की आवश्यकता है। जी सर, बताइए, 7 दिवसीय जो इस एनएसएस का जो कैंप लगा था, आज उसका जो समापन होने जा रहा है, किस तरह से देखते हैं आप इस सारी जगह? आज हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान का समापन समारोह है, 7वां दिन है। और आज इस अवसर पर मैं सभी स्वयंसेवियों को बधाई भी देता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ। जो भी इन्होंने यहाँ पर आकर के 7 दिनों में सीखा है, उसको आगे लेकर के समाज में उसका जागरण करें। आज जो हमारा समापन समारोह चल रहा है, इस उपलक्ष पर बच्चों के द्वारा अलग अलग गतिविधियों को उसमें किया जा रहा है, चाहे वो देशभक्ति से संबंधित गीत हो, देशभक्ति से संबंधित वान का नृत्य हो या कविता हो, इन सब को लेकर के आज हमारा ये जो समापन समारोह चल रहा है, इसके लिए जो है मैं बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ। आगामी दिनों की बात की जाए, आज आपका जो एनएसएस का स्पेशल कैंप था वो समाप्त हो गया, आगे क्या, इसके बाद आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी? निश्चित तौर पर एक प्रक्रिया रहती है कि 70 में जो है अंत में जो है इस तरह के कैंप का आयोजन किया जाता है। और यहाँ के जो एनएसएस इकाई है, लगातार निरंतर जो है प्रयासरत रहेगी, जो भी समाज के अंदर जो भी कमियां हैं उनको दूर करने का जो है प्रयास करेगी। नशे के ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, अवेयर रहते हैं, नशे के ऊपर क्या कैसे देखते हैं, एनएसएस अपनी क्या भूमिका निभा सकता है? जी, नशा जो है एक समाज के अंदर एक बहुत गंभीर समस्या है। मुझे लगता है कि आज का युवा जो है इसकी ओर ग्रसित होता जा रहा है, इसके पीछे के कारणों को हमें देखना होगा कि आज किस प्रकार से हमारा युवा नशे की ओर बढ़ रहा है। और इसको लेकर के एनएसएस के स्वयंसेवी इस महाविद्यालय के अंदर और इस जिला शिमला के अंदर एक आने वाले दिनों में 70 की शुरुआत में एक जागरण अभियान चलाएगा और नशे को लेकर के सड़कों पर उतरेगा कि किस प्रकार से नशे को ख़त्म किया जा सकता है और किस प्रकार से हम लोगों को जागरूक करने का जो है प्रयास करेंगे। एनएसएस के वॉलंटियर जो है इसको लेकर के आने वाले दिनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगा। इसके साथ सर, इन्वायरमेंट, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा आपको कि पर्यावरण एक हमारा बहुत ही अच्छा विषय है और पर्यावरण से प्रेमी सभी को होना चाहिए। और पर्यावरण को लेकर के जो भी हमारे को लगता है कि समस्या है, चाहे स्वच्छता के बारे में बात हो या अन्य पेड़ों की कमी की बात हो, तो इसके लिए हमें समय समय पर जो एनएसएस के वॉलंटियर से समय समय पर पौधारोपण कार्यक्रम करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान करते हैं और आने वाले दिनों में भी एनएसएस के वॉलंटियर जो इन कार्यक्रमों को आगे लेकर के समाज में जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।